क्योंकि ये लोग इसी बात को लेकर के परेशान हैं। ये लोग मामले को लटकाते थे, भटकाते थे, लड़ाते थे और हर स्तर पर प्रयास करते थे कि कहीं भी किसी भी व्यक्ति को इस मुद्दे को उठाने की छूट न दी जाए। विपक्ष अयोध्या जाने में डरता था। मुझे लगता है जब मैं यहां पर अभी अपने विधायकों के नाम पढ़ रहा था, देखिए मैं नाम जब यहां पे पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मैं देख रहा था कि हमारे पूर्वज कितने महान थे, कहीं ना कहीं अपने नाम के आगे या नाम के पीछे राम शब्द रखते थे। राम बोहरन मौर्य, राम शब्द से नाम आगे आ रहा है, या बाबू राम, ये हमारे पूर्वजों की सोच है। राम के प्रति भारत की सनातन आस्था को व्यक्त करने वाला यह भाव और भारत की आस्था पर प्रहार करने वाले लोग नहीं चाहते थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने। और हमारा किसान तो जब मिलता है राम राम ही कहता है, उसका संबोधन ही राम राम का होता है। सुबह मिले शाम मिले राम राम, और अगर प्रियजन गुजर गए तो राम नाम सत्य है कहकर के अंतिम यात्रा भी निकाल लेते हैं। यानी पूरा जीवन जन्म से लेकर के अंतिम यात्रा तक एक शब्द हमारे साथ चलता है मंत्र के रूप में, वह राम का शब्द है। और राम को हमसे अलग करने की साजिश किस रूप में हो रही थी? मोदी जी आए, उन्होंने प्रयास किया, देश की उच्चतम न्यायालय ने मेरिट के आधार पर फैसला दिया और अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अयोध्या में आकर के इस कार्य का शुभारंभ भी कर दिया है। और विपक्ष को इस बात की परेशानी है, क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मैं पूछना चाहता हूं यहां पर आए हुए जितने भी किसान भाई बंधु हैं सबसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए क्या अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मोदी जी ने काम ठीक किया है, आप समर्थन करते हैं? तो एक बार बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। विपक्ष को दूसरी परेशानी क्या है? दूसरी परेशानी है 1952 में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक धारा 370 लगा दी थी। ये धारा 370 पहले तो इस बात के लिए व्यवस्था करती थी कि शेष भारत के लोग जब जम्मू कश्मीर में जाएंगे तो उनको परमिट लेना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में एक आंदोलन चला और आंदोलन के माध्यम से तय हुआ कि नहीं, एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान ही रहेगा। परमिट सिस्टम हम समाप्त करवाएंगे। और परमिट सिस्टम समाप्त करने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना बलिदान दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए और भारत के नागरिकों को कश्मीर के अंदर किसी प्रकार की आवाजाही में कोई प्रतिबंध न हो, इसके लिए आंदोलन किया। लेकिन कांग्रेस ने एक व्यवस्था वहां और बना दी, अगर बरेली के लोग, शाहजहांपुर के लोग, पीलीभीत के लोग और बदायूं के लोग चाहे, यहां का नौजवान चाहे, वो अच्छा खासा कमा रहा है, उसको लगता है कि नहीं मुझे यहां के साथ साथ अपना एक मकान श्रीनगर में बनाना है, वैष्णो देवी की यात्रा के लिए जाते हैं तो कटरा में एक धर्मशाला बनाना है, नहीं बना सकता था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कश्मीर में धारा 370 को समाप्त करके बरेली, पीलीभीत, बदायूं और शाहजहांपुर के लोगों को भी छूट दे दी है, आप चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर, आप चाहें तो श्रीनगर या लद्दाख के अंदर अपने लिए जमीन खरीद करके अपना मकान या गेस्ट हाउस या धर्मशाला का निर्माण कर सकते हैं। ये काम अच्छा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त करके जो अधिकार प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है, क्या यह अच्छा कार्य हुआ है? आप समर्थन करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं?
तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। और साथ साथ मैं आज एक मुस्लिम धर्म गुरु का बयान पढ़ रहा था, जम्मू से उनका बयान आया है और उन्होंने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास की प्रक्रिया को उन्होंने धारा 370 को समाप्त करके आगे बढ़ा दिया है। भाइयों बहनों, हमारा यह शरीर है, अगर शरीर का कोई अंग कमजोर हो जाता है तो शरीर पूर्णांग नहीं माना जाता। अगर देश का कोई हिस्सा विकास की प्रक्रिया से वंचित हो जाए, कमजोर हो जाए, तो क्या देश मजबूत हो पाएगा? और यही स्थिति थी। चार परिवार जम्मू कश्मीर का पूरा बजट हजम कर जाते थे, वहां की जनता को इसका लाभ नहीं मिल पाता था और इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और उग्रवाद की जड़ें समाप्त हो सके और पाकिस्तान प्रस्त आतंकवाद को उसकी माद में घुस करके भारत के बहादुर जवान जवाब दे सके, इसके लिए धारा 370 समाप्त होनी आवश्यक थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब ये काम किया तो विपक्ष को यह भी बुरा लग रहा है, उनकी परेशानी वही है। और उस खिसियाहट को क्या भारत तो विकास कर जा रहा है, क्योंकि देश तो वही, संसाधन वही, नेतृत्व तो बदला तो देश का परसेप्शन भी बदल गया, देश के प्रति दुनिया की निगाहें और नजरें भी बदल गईं। भारत ने कोविड कोरोना के कालखंड में जितना बेहतर प्रदर्शन किया है, आज दुनिया उसकी सराहना कर रही है और दुनिया ने इस बात को माना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। 135 करोड़ की आबादी को सुरक्षित करने का जो कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, आज दुनिया उसका अनुसरण करने के लिए मजबूर हुई है और विपक्ष को इसमें भी परेशानी है। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं, यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा, उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग, जिन्हें भारत की प्रगति और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए आज हम सबको आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये विरोध करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कभी भी किसानों की उपज को नहीं क्रय किया था। मुझे याद है 2017 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा चयन हुआ और मुझे कहा गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर जा करके हमें किसानों के लिए कार्य करना है। भाइयों बहनों, सबसे पहला कदम हमारी सरकार का था, पहली कैबिनेट में हमारी सरकार ने जो फैसला लिया था, वह फैसला था 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी का फैसला। ये फैसला था हमारा। याद करिए 2017 के विधानसभा चुनाव के पूर्व भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में इस बात को कहा था और ये 36,000 करोड़ रुपए का जो कर्ज माफी का कार्यक्रम संपन्न हुआ, एक एक जगह जाकर के हमारे माननीय सांसद और विधायक गणों ने आपको कर्ज माफी के सर्टिफिकेट वितरित किए थे, क्योंकि पैसा तो सीधे अकाउंट में किसान का गया या बैंक का कर्जा माफ होकर के सर्टिफिकेट उन्हें उपलब्ध करा दिया गया।
लेकिन ये कार्य पूरी मजबूती से करने का कार्य प्रदेश के अंदर संपन्न हुआ और इसके बाद दूसरा कदम जो उठाया गया वह था प्रदेश के अंदर किसानों की उपज को क्रय करने का, क्रय केंद्र स्थापित किए गए। किसानों को पहले साल विश्वास ही नहीं हो रहा था कि क्या उस समय गेहूं की फसल आ रही थी, क्या गेहूं की फसल सरकार खरीदेगी, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीद पाएगी। और भाइयों बहनों, मैं अभिनंदन करूंगा जनप्रतिनिधियों का, किसान बंधुओं का और इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ी हुई उस पूरे तंत्र का, जिन्होंने पहले साल ही 36 लाख मीट्रिक टन गेहूं का क्रय किया। धान की फसल तैयार हुई, किसानों से 46 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया गया। अगले वर्ष किसानों को विश्वास हुआ 56 लाख मीट्रिक टन धान गेहूं का क्रय होता है, 52 लाख धान का क्रय होता है। और भाइयों बहनों, अभी धान का क्रय चल रहा है, लेकिन साथ साथ अब तक लगभग 36 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुआ है। और मैं आपको इस बात के लिए कह सकता हूं, जब तक किसान चाहेगा तब तक प्रदेश के अंदर 4500 से अधिक क्रय केंद्रों के माध्यम से हम किसानों का धान क्रय करने का कार्य करेंगे और एमएसपी का लाभ सीधे किसान के खाते में देने का कार्य भी करेंगे। लेकिन ये किसके कारण? क्योंकि भारत सरकार का संबल है, उनका सपोर्ट है। आप अनुमान करिए, यही प्रदेश है जहां पर चीनी मिलें बंद हो रही थी। वर्षों तक, जब 2017 में हम लोग आए थे, 6 वर्ष का गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ था। और आज मैं कह सकता हूं 3 वर्ष में सपा बसपा के 10 वर्ष के कार्यकाल में जितना गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ, अकेले 3.5 वर्ष के दौरान 1,12,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किसानों को उनके खाते में सीधे करने का कार्य प्रदेश की हमारी सरकार ने किया है। और ये एक्सपोर्ट सब्सिडी का पैसा जैसे ही आएगा, ये किसान के खाते में सीधे जाएगा। तो भाइयों बहनों, 1,15,000 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका होगा। इतना पैसा, 1,15,000 करोड़, ये बहुत सारे राज्यों का वार्षिक बजट नहीं, लेकिन हमारे प्रदेश में हमारे अन्नदाता किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किसान इस रूप, सरकार इस रूप में कर रही है। जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे, प्रदेश के अंदर किसानों के सबसे बड़े मसीहा के रूप में चौधरी चरण सिंह जी थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के स्वयं की कर्म भूमि की चीनी मिल, रमाला चीनी मिल, 30 वर्षों से मांग हो रही थी उसके विस्तारीकरण और नवीनीकरण की, कोई सरकार नहीं कर पाई। जब 2017 में हमारी सरकार आई, हमारी सरकार ने ही रमाला चीनी मिल के नवीनीकरण और विस्तारीकरण के कार्य को पूरा करते हुए विगत वर्ष रमाला में मैं स्वयं गया था और रमाला में चीनी मिल के विस्तारीकरण के कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने उस चीनी मिल का शुभारंभ भी किया। प्रदेश के अंदर गन्ना किसानों के लिए आगे का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, क्योंकि जितनी चीनी की आवश्यकता प्रदेश के अंदर पड़ेगी उतनी चीनी मिलों से चीनी बनेगी, जितना गुड़ का उत्पादन होगा, खांडसारी उद्योग को लाइसेंस फ्री करके हम लोगों ने वहां पर जो भी जिस भी क्षेत्र में खांडसारी उद्योग लगाना चाहता है वहां पर उद्योग के लिए भरपूर उन्हें लाइसेंस उपलब्ध करवाया जा रहा है। लेकिन जहां पर चीनी नहीं आवश्यकता पड़ेगी, हम गन्ने के रस से सीधे सीधे इथेनॉल बना करके विदेशी मुद्रा का बचत करके किसानों की आर्थिक समृद्धि करने का कार्य करने जा रहे हैं और ये कार्य प्रदेश के अंदर होने जा रहा है। यही तो लोगों को बुरा लग रहा है, जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है और बायोफ्यूल के माध्यम से किसान की आमदनी को अतिरिक्त आमदनी करने के लिए पराली का, यानी धान का तो दाम मिलेगा ही मिलेगा, पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके इसके लिए बायोफ्यूल की एक नई पॉलिसी के साथ सरकार सामने आई है।
मंडी समिति को ई नाम से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश की 100 से अधिक मंडियां इसके साथ जुड़ चुकी हैं। हम तो मंडियों को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन विपक्ष गुमराह क्या कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी। मंडी कहां से बंद हो रही है? हम तो मंडी को तकनीक के साथ जोड़ रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं, अच्छे शेड दे रहे हैं, अच्छा पार्किंग दे रहे हैं। किसान बंधु, किसान भाई जब वहां आएगा उसके लिए बैठने की व्यवस्था दे रहे हैं, उसके लिए बुनियादी सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोलकर के गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। भाइयों बहनों, यही विपक्ष था जो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के पहले क्या कहता था कि किसान सम्मान निधि तो एक चुनावी सगुफा है, यानी किसानों के खाते में प्रधानमंत्री मोदी जी 6,000 रुपए सालाना अगर एक रकम देने का कार्य कर रहे हैं तो विपक्ष को बुरा लग रहा था। और आज आप देख रहे होंगे, खन्ना जी ने बताया कि कैसे अब तक किसानों के खाते में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि उत्तर प्रदेश के किसानों के खाते में पहुंची है, और अभी एक किस्त और आने वाली है 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की, यानी 4,300 करोड़ रुपए की एक नई किस्त आने वाली है, और यह पैसा भी सीधे किसान भाइयों के खातों में जाएगा। यानी विपक्ष तो यही, उसको यही परेशानी है, ये पैसा किसानों के खाते में सीधे क्यों जा रहा है, ये पैसा किसानों को क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब किसान को पैसा मिल रहा है तो जो इनके द्वारा वहां पर जबरन सूदखोरी होती थी, उस सूदखोरी को जब लगाम लगाया जा रहा है तो विपक्ष को यही, इसी में परेशानी हो रही है। भाइयों बहनों, होना ये चाहिए था लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के देश के विकास के बारे में, जनता के जनादेश का सम्मान करते हुए भारत को विकास की नई बुलंदियों को लेकर के आगे बढ़े। लेकिन जब विपक्ष गैर जिम्मेदार हो जाए, गुमराह करने वाला हो जाए, जाति मत और मजहब में विभाजित करने की मंशा के साथ कार्य करने लग जाए तो सत्ता को सीधे आपके पास आने के लिए मजबूर होना पड़ा है, और आज इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं। भाइयों बहनों, हम लोग आज की नई परिस्थिति में किसानों के हितों के लिए भी कार्य करेंगे, गांवों के विकास के लिए भी कार्य करेंगे, युवाओं के लिए, महिलाओं के हितों के लिए भी कार्य करेंगे, लेकिन साथ साथ कहीं भी किसी को भी अव्यवस्था फैलाने की छूट नहीं देंगे, और यही सरकार का संकल्प है। कल ही मैंने प्रयागराज में कहा है, जो माफिया हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने गरीबों की जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया है, ये सभी कब्जे हटेंगे, उन कब्जों में हम गरीबों के लिए, पत्रकारों के लिए, अधिवक्ताओं के लिए, शिक्षकों के लिए और एक आवासीय सुविधा की एक नई स्कीम लेकर के आने जा रहे हैं। सस्ते में मकान उनको दिए जाएंगे, सुविधायुक्त मकान दिए जाएंगे, किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतनी दी जाएगी, लेकिन माफियागिरी अब नहीं चलने दी जाएगी। माफियाओं के यहां तो आप देख ही रहेंगे, वर्तमान में माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ठीक चल रही है, अच्छा लग रहा है? पीछे तक मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपको अच्छा लग रही कार्रवाई? समर्थन करते हैं? दोनों हाथ उठा करके एक बार थोड़ा बताइए, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन करते हैं ना? ये चलनी चाहिए और ये मकान बनने चाहिए। तो भाइयों बहनों, मैं यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, ये विकास का जो कार्य आप देख रहे होंगे, इतने पत्थर चारों तरफ आप देख रहे होंगे, विकास की नई प्रक्रिया, जनप्रतिनिधियों के प्रयास, माननीय सांसद, माननीय विधायकों ने जो प्रयास किए हैं अपने अपने विधानसभा, अपने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए, कहीं स्मार्ट सिटी बन रही है, कहीं पे चिकित्सालय भवन का निर्माण हो रहा है, कहीं सड़क के चौड़ीकरण का, कहीं पुल के निर्माण का, कहीं पे यूनानी मेडिकल कॉलेज का, कहीं पर पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर का, कहीं थाने का, कहीं चौकी का, कहीं पर पुलिस कर्मियों के लिए बैरक बनाने का कार्य, ये अलग अलग प्रकार के कार्यों को एक साथ मिलाकर के आगे बढ़ाने का कार्य चल रहा है। युद्ध स्तर पर विकास की प्रक्रिया एक साथ
975 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को आप सबको समर्पित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं अन्नदाता किसानों को इस बात के लिए पूरी तरह आश्वस्त करता हूं, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए सभी प्रकार की योजनाओं को पूरी ईमानदारी के साथ लागू करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम लोग आपके हकों पर किसी को डकैती डालने की छूट नहीं देंगे, अव्यवस्था फैलाने की छूट भी नहीं देंगे, नौजवानों के हितों के साथ भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर 4 वर्ष का कार्यकाल जब प्रदेश सरकार का पूरा होगा तब तक हम प्रदेश के 4 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी प्रदेश के अंदर दे चुके होंगे। विपक्ष को यही परेशानी है, क्यों ये शिक्षकों की भर्ती हो रही है, क्यों पुलिस में भर्ती हो रही है, क्यों यहां पर और जगह, क्यों अन्य विभागों में भर्ती हो रही है, क्यों सिंचाई विभाग में, क्यों पीडब्ल्यूडी में भर्ती हो रही है, यही परेशानी है विपक्ष को। क्योंकि जब ये पिछली सरकारों में भर्ती निकलती थी तो कुछ चंद परिवारों के लोग झोला लेकर के जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज तो वसूली नहीं हो रही है ना, आज तो पूरी ईमानदारी के साथ नौजवानों को नौकरी मिल रही है। किसी भी क्षेत्र का नौजवान हो, हमारे लिए तो 24 करोड़ का ये उत्तर प्रदेश एक परिवार है और 24 करोड़ की आबादी का कोई भी नौजवान सरकारी नौकरी पाने का पूरा हकदार रखता है। लेकिन साथ साथ निजी क्षेत्र में भी निवेश हो, रोजगार और नौकरी की संभावना वहां भी बढ़े, विकास की प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ सकेंगे, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए व्यापक पैमाने पर अब तो हम लोग फिर से एक नई दिशा में जा रहे हैं। बहुत शीघ्र फिल्म सिटी आ रही है यूपी में। देखिए फिल्मों में काम करने वाले लोग कितनी मजबूत से थाली बजा रहे हैं, और ये फिल्म सिटी युवाओं के लिए व्यापक रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ा देगा। बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रही है ये फिल्म सिटी क्यों, बरेली का एयरपोर्ट भी काम करने वाला है बहुत शीघ्र। राजेश जी बहुत दिनों से कह रहे थे यहां के हॉस्पिटल के लिए, देखिए COVID-19 को रोकने के लिए, कोरोना रोकने के लिए उसी बिल्डिंग का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल निर्माण करके कितना लाभ बरेली वासियों को प्राप्त हुआ। और भाइयों बहनों एयर सेवा के साथ साथ, वायु सेवा के साथ साथ यहां पर विकास की वे तमाम संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमारे जनप्रतिनिधिगण पूरी मजबूती के साथ लग करके विकास की इन परियोजनाओं को, चाहे वह बरेली हो, पीलीभीत हो, सांझापुर हो, बदायूं हो, हर एक जगह के विकास के लिए पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आप अपना आशीर्वाद उनके ऊपर बनाए रखिए। वे लोग आपके नेतृत्व में विकास की प्रक्रिया को जन जन तक, गांव गांव और कस्बे कस्बे तक पहुंचाने के लिए कार्य करेंगे। और आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए आए हैं, अन्नदाता किसान हो या हमारी ऊर्जा का प्रतीक नौजवान या हमारी मातृशक्ति या फिर समाज का कोई भी तबका, उसके हितों के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से इतनी ढेर सारी परियोजनाओं के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए, आपका अभिनंदन करते हुए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। भारत माता की जय। जय श्री राम।